नरेंद्र अपनी जान में राइडर हो रहा है, नरेंद्र को ऐसे ही जाना है। और ये सजा हो रही है इनके लिए, कोई एंजॉयमेंट नहीं है ये सजा, इनकी चड्डी भी पसीने में हो रही होगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ये हमारा भाई मार्शल है। भाई अभी थोड़े से गन्ने के जूस के लिए रुक गए थे अपन, एक ठंडा सा गन्ने का जूस नींबू मार के पी लेंगे, बाकी गाड़ी अपनी है खड़ी है। पूरे रास्ते चलाते हुए भाई अब हो चुके हैं 11:05 हो गए, तो अपन ने लगभग दो घंटे के लगभग हो गए ड्राइविंग करते हुए। पहुंच चुके हैं भाई ऑलमोस्ट अम्बाला पहुंच चुके हैं अभी अपन है। भाई नरेंद्र अम्बाला आ लिया क्या? हाँ भाई अम्बाला कैंट आ गया, रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है। रेलवे स्टेशन है भाई नीचे तो। अच्छा, वहाँ पे अमृतसर सीधा, चंडीगढ़ सीधा, जगाधरी उधर। सही है, अभी ये पुल शायद अम्बाला पार कर देता होगा है भाई। हाँ भाई सीधा ही है, 5 किलोमीटर पे NH-40। ये भाई कई ब्लॉगों में देख चुका ये गेट, तो आज ये गेट पार कर ही लिया आखिरकार हमने। नरेंद्र कैसा गेट लगता है? मेरे को तो बढ़िया लगता है, देखियो हरियाणा अम्बाला। हाँ अम्बाला सही है, पार कर लिया भाई ये गेट अपन ने, शिमला के लिए चंडीगढ़ के लिए उधर। आजकल जाने में तो ये फायदा हो रखा है, टोल के पैसे बच जाते हैं। टोल नहीं लगता है भाई नरेंद्र? बिल्कुल भाई, बहुत रुपए बच जाते हैं, वो हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बीप बीप बीप। तो भाई अभी हम जस्ट पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पार करा है, पंजाब में एंटर कर चुके हैं। अभी हम पंजाब में एंटर करते हुए थोड़ा सा पंजाब लगेंगे, फिर हिमाचल की तरफ घूम जाएगा ये। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ से, थोड़ा सा लेफ्ट ले रहे हैं खरर की तरफ, खरर से निकलेगा ये रास्ता फिर कसोल की तरफ। ये काफी सारे बॉर्डर टच करते हुए इधर से पंजाब और इधर से चंडीगढ़ फिर हिमाचल पहुंचेंगे। और ये भाई अंकुश अपने लद चुके हैं, वन मैन डाउन। वन मैन डाउन, थोड़ी देर में ये मैन डाउन हो जाएगा भाई इसका। थोड़ी देर में एक साइड में लगा के तीनों मैन साइड में खड़े हो जाएंगे। इसके बताने का तरीका देख लो, यूं नहीं हम पानीपत की रोड से कनेक्टिविटी से आगे की तरफ जा रहे। बता दिया वो पीछे बता चुका है गुरु, काटना पड़ेगा ये, काटना पड़ेगा पता है मेरे को इसका। एक बार ये हमारा भाई मार्शल है, मार्शल लेके चल चुके हैं कंपेनियन। ये हमारी एक सीट बुकिंग इसकी है मार्शल की। 10-15 घंटे से ज्यादा ट्रेवल है, और नरेंद्र का कहना ये है कि ट्रेवलिंग इज लाइफ। मतलब मेरा मानना यह है कि घूमने जा रहे हो तो भाई सीधा वहाँ पे फ्लाइट वगैरह से जाओ और फिर वहाँ पे घूमो, बट नरेंद्र का कहना ये है भाई गाड़ी में धक्के खाने को ही घूमना है तेल। मन का ठीक है भाई, फिर मैं पीछे सो जाऊंगा, तू धक्के खा लियो। वी बिलीव इन रोड ट्रैवल। तो भाई आज नरेंद्र का धक्के खाने का दिन है। मैं तो सो लिया भाई कम से कम 6-7 घंटे, बढ़िया वहाँ घर पे भी सो लिए, अभी भी पूरे रास्ते सोता आया हूँ। ये धक्के खुआएगा और ये इस ब्लॉगर के धक्के खाने का भाई क्यों भाई ब्लॉगर के धक्के खाने क्यों लिखे हैं? क्योंकि भाई जिसने धक्के खाने नरेंद्र ने उसको गाड़ी चलानी आती नहीं, पिछला चलाएगा नहीं तो बचा कौन भाई, उसको बिना बात के धक्के खाने पड़ेंगे। अरे रूट गलत आगे पीछे ले, पीछे ले, पीछे छूट गया आधा दिन तो हमारा रूट गलत जा रहा है। तो भाई गलत रूट पे आधा घंटा खराब जाता है, एक रूट गलत लेती है। नरेंद्र के धक्के खाने का दिन है, धक्का क्यूब हो चुका है। क्या गल मतलब धक्का क्यूब, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी ना तूने, बायोलॉजिस्ट? एक भाई ये डी रूट पे एक ये फोर्ट आ गया बढ़िया सा, अभी पता नहीं कहाँ है क्या है, कोई ये रास्ता है हमारा, गलत रोड ले लिया।
पीछे पेशेंट देख रही है। लग भी नहीं पहला सिग्नल आया भाई अभी ये चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। ऐसी कुछ बिल्डिंग है चंडीगढ़ द सिटी, वो राइट जाएंगे ना भाई, ये राइट वाले राइट जाएंगे। बहुत अच्छे है, इतनी ग्रीनरी है, मतलब शीतल हवा लग रही है। शीतल हवा बिना शीशे खोले शीतल हवा लग रही है। बहुत ही सेक्सी रोड्स हैं यहाँ पे, वेरी स्मूथ एंड मिल्की। सीधा जाना है लेफ्ट जाना है, फटाफट बता। नहीं नहीं सीधा ही जाना, सीधा ही जाना। बच गए बच गए, एक रूट गलत रूट लेते लेते बच गए भाई। अबे यार गलत ले लिया, नहीं नहीं सही सही सही, अब सही हुआ है। आपके प्यार की मेहरबानी से हमारे बहुत ही घंटा बच गया। इनका प्यार कैसे चला तो हमारे इन्होंने तो अभी तक देखा भी नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे रूम, अगर 13 किलोमीटर दिखा रहा था ना। और ये है बन्नी माजरा, बन माजरा भाई। लेकिन मजे आ गए ना, रोड बहुत सही है, बढ़िया। कौन सी रिवर है भाई, किस रिवर का ब्रिज है ये भाई? यहाँ पे तो रिवर जा रही है नीचे से, तो दिखा रहे हैं गूगल मैप्स बाबा। तो वहाँ फाल तो बड़ा अच्छा चेक दिया है। ये कहीं पानीपत रिफाइनरी से तो नहीं आया लोहा? ये वाला एक और पुल आ चुका है यहाँ पे, ये जा रही भाई नहर, बढ़िया एक नंबर नहर जा रही है ना। बहुत बड़ी नहर है भाई, बड़ी नदी है भाई। अबे सूखी भाई, सूखी बड़ी है पूरी नदी। इधर मैप्स में दिखा रहा है पूरा भाई। अभी ये देखो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर आ गया। अब हम जल्द ही हिमाचल प्रदेश में एंटर हो चुके होंगे पंजाब से, और कुछ ऐसा सीन है अभी फिलहाल। एंट्रिंग हिमाचल प्रदेश विद अ स्वैग, एंट्रिंग हिमाचल प्रदेश पहाड़ी बिगन्स। हिमाचल प्रदेश में ये एंट्री ले ली भाई तुरंत प्रभाव से। और भाई एक पूरा स्टेट पार कर दिया अपन ने एक सेकंड में नरेंद्र। दो हो गए भाई हरियाणा। हाँ दो स्टेट पार कर दिया, हरियाणा पार कर दिया, पंजाब पार कर दिया, अब हिमाचल। ये हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं, इनफैक्ट पहुंच गए अभी अभी, जस्ट एंट्री लिया हमने। आपने अभी फोटो वीडियो देखी होगी थोड़ी सी। अब ये फिर पुल सा आ गया है। नरेंद्र दिखाइए पुल, देखियो नरेंद्र इतना पानी है। भाई लोगों ने अड़ा दिया यहाँ पे गाड़ियाँ मनाली पहुँचने के लिए, लोग यहाँ अड़ा देते हैं गाड़ियाँ बीच बीच में। लोगों को लग रहा है यही मनाली है, लोगों को लग रहा है यही मनाली है, यही फंसा दी है। अब मैंने कई देर से देख रहा हूँ यहाँ पे रोक की तो है साइड में, लेकिन लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। थोड़ी ठंडक ज्यादा है, तीन रास्ते पटते हैं, एक यहाँ पे मनाली का, एक यहाँ से ये कुछ सिलासपुर का, बिलासपुर आनंदपुर साहिब का है उस साइड, और ये सामने ये भाई टक गया। बीच में कहाँ जाऊं, कहाँ है मनाली, ये भाई अब वहां के लिए निकले हैं यहाँ पे फंस के। ये भी भाई घूम के आया है और यहाँ मनाली की तरफ जाएगा भाई। ये पानी पिला रहे हैं यहाँ पर रुकवा रुकवा के हमारे यार दोस्त पंजाबी। ये देख नहीं वो आ रहे हैं भाई, ये देख तू यू टर्न लेके रास्ता सही से ले ले भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आपका बहुत चने बने खा के जाना है, चने हाँ काले चने बने दे दे भाई दे दे। वो गाड़ी ला लो वहाँ, लगा रहे लगा रहे भाई। ये रास्ता कसोल जाएगा क्या? पहाड़ी पहली बार अभी दिखे हैं चंडीगढ़ पार करने के बाद हमारे पहाड़। बहुत बढ़िया, एक पूरी की पूरी हिमालयाज मान लो हमने टच कर दी है। काफी धुंधला धुंधला है लेकिन दिखे हैं मैं कहना चाहूंगा दिखे हैं। पिछले वाला हिमाचल का बॉर्डर शायद नकली हो सकता है, लेकिन इस बार वाला जो हिमाचल का बॉर्डर है
कंट्री है भाई हिमाचल प्रदेश की। मुंबई बढ़िया सुंदर रेलवे में जाना पता चलेगा भाई रेलवे है इनकी बीच। भाई हम ऑलमोस्ट हिमाचल पहुंच चुके हैं। ये रही उनकी फ्रंट लाइन और खाई हुई देख लो कितनी है और ऐसा लुक आएगा। नरेंद्र भाई कम हियर। यस ब्रो। नरेंद्र भाई हमारे ट्विनिंग कर रहे हैं पहाड़ के साथ ग्रीन ग्रीन हो गया और इधर हम साइड में लगा दी थी गाड़ी हमने यहाँ पे। अंकुश भाई दुकानदार से बात कर रहे हैं कुछ मिल जाए सस्ते में तो क्या चीज है भाई अमरूद तोड़ते हुए। भाई हमारी गाड़ी अब चल चुकी है 286.2 किलोमीटर अप्रोक्स भाई अभी हो गए हैं 3:15 बज गए हैं 7-1 घंटे हो गए। गाड़ी ओवरहीट हो गई थी हमारी हमें थोड़ी देर पहले पता चला गाड़ी ओवरहीट हो गई थी खोल खाल के खड़े हो गए अभी इसको बिल्कुल बंद कर रखी है हीट मार रही है भाई ये इसमें पानी पुनी गलवाया थोड़ा अभी 10-1 मिनट का होल्ट लिया है मैगी मूगी बन जाए 1-2 मैगी के बना रखे हैं चढ़वा रखे हैं। ये कैसे पता चला आपको हीट होने लगी एसी पूरी फुल ठंडी गर्म होगी ना इसलिए। अच्छा 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 गाड़ी गर्म हो ठंडी हो कोई फर्क नहीं चलो 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 भाई अभी मैगी खा रहे हैं मैगी ऑर्डर करी आ गई है पहले खाते पीते चल रहे हैं फुल पावर बस 2 प्लेटें मंगाई है खा लेंगे मिल जुल के कार भी ठंडी हो जाएगी जरूरी है भाई मैगी तो बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री है मैगी बनाना है भाई व्यू कैसा पीछे कमेंट करके बताना कैसा है ये देखो अब व्यू देखो हमारा भाई ये 2 राइडर जा रहे हैं देखो इनको अपने हेलमेट डाल रखे हैं दुनिया भर का सामान ले रहे हैं ये महीने 2 महीने के लिए जा रहे हो और नरेंद्र भी तो जाना चाहता है ऐसी राइडर पे नरेंद्र अपनी जान में राइडर हो रहा है नरेंद्र को ऐसे ही जाना है अरे सजा हो रही है इनके लिए कोई एंजॉयमेंट नहीं है ये सजा इनकी चड्डी भी पसीने में हो रही होगी गारंटी दे रहा हूँ ये कोई एंजॉयमेंट है क्या भाई ये एंजॉयमेंट है अपनी जान दे अद्दू की यार भाई R15 भाई मेरी इसको भी R15 पे देखियो भाई क्या सूख गए होंगे R15 पे भाई देखियो पीछे भाई पानी टपक रहा है इनका तो R15 वो बुलेट वाला तो चल फिर भी थोड़ा कंफर्ट गर्मी हो भाई इनका ऐसे पानी गिरने से टैंकी फूट गई है इनकी